Hi everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge In. In this session, we learn how to create a form in MS Word. Now, obviously, you know ki forms kya hote hain. Agar hum kisi job ke liye apply karte hain ya kisi bhi registration karte hain, kahin pe koi survey karte hain, so wahan pe hum bhi form fill karte hain and agar kisi se karwana ho to hum use information lene ke liye form fill karwate hain. So over here you can see I have a rough copy of a form. Now let's suppose agar mujhe ise print karna hai and ye sari details mujhe kisi se chahiye, so it's a good way aap isko print out karke unko de sakte ho and they can fill it up. But agar main iski soft copy kisi ko bhejti hu, so let's suppose they receive this soft copy and they come here, click on this and start typing their name. So you can see what is happening is ki yahan pe jo apni dash ki tarah line draw kari thi wo shift hoti ja rahi hai, and this is not what we want. So I'll press Ctrl Z and now let's get into and create a form using the developer menu. सबसे पहले एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू यूज दिस डेवलपर मेन्यू. सो अगर आपके पास ये टैब डिस्प्ले नहीं हो रहा, सो यू कैन गो टू फाइल एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन चूज कस्टमाइज रिबन. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास टैब्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हो. जैसे आप इसको टिक करोगे तो वहां पे आपको वो डिस्प्ले होगा. फाइन. सो नाउ इन द डेवलपर मेन्यू आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल्स ग्रुप है. सो दीज आर द ऑप्शंस जो कि हम अभी इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे. नाउ द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज आई सेलेक्ट इट लाइक दिस. सो दिस इज द फॉर्म और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है. आई गो टू इंसर्ट एंड गो टू टेबल्स एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल. अभी जो टेक्स्ट है मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर रही हूँ. मैं कन्वर्ट क्यों कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे. फाइन. आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड ओवर हियर मैं यहाँ पे चूज कर सकती हूँ मुझे क्या चाहिए. लाइक आई हैव वांट नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी टू. सो यहाँ पे ऑलरेडी टू है एंड देन यहाँ से मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को कैसे सेपरेट करना चाहती हूँ. सो आई गो टू अदर एंड यहाँ पे आई कैन एड अ कॉलन, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास हर किसी के साथ कॉलन है. सो एज सून एज आई प्रेस ओके इट विल क्रिएट अ टेबल. एंड नाउ वॉट आई वॉन्ट इज आई सेलेक्ट दिस साइड बिकॉज मुझे ये डैशेज नहीं चाहिए एंड प्रेस डिलीट लाइक दिस. फाइन. एंड देन आई कम हियर एंड मूव दिस मार्जिन लाइक दिस. सो नाउ यू हैव दिस फॉर्म. नाउ दिस इज वन वे. आप देखोगे अब यहाँ पे कॉलम चेंज हो गए, सो आई कैन टाइप इन हियर. बट स्टिल अगर मुझे इसे और भी मॉडिफाई करना है, सो नाउ लेट्स सी वॉट वी कैन डू. आई गो टू डेवलपर पैनल एंड इस मेन्यू के अंदर यू विल सी इन द कंट्रोल्स मेरे पास दो टेक्स्ट के ऑप्शन है. द फर्स्ट वन इज रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल एंड द अदर वन आई हैव इज प्लेन टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल. सो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रिच टेक्स्ट कंटेंट है उसमें आपके पास ज्यादा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है एज कम्पेयर टू द प्लेन वन. So you can add any of these. I'll just click on right now. I'll go with the rich text content. I'll click on this and you will see a box like something will appear जहां पे आप अपना name enter कर सकते हो. अगर आपको इसे और modify करना है, in the sense कि अगर आपको mention करना है कि इस place पे आप अपना first name डालो, then वहां पे आप अपना last name डालो, means अगर आपको उसके बारे में information provide करनी है. So now we'll get into the डिजाइन मोड. कंट्रोल्स के अंदर यू विल सी हमारे पास ऑप्शन होता है डिजाइन मोड का. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो नाउ विद दिस अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इट मीन्स आई एम टर्निंग ऑन द डिजाइन मोड एंड यू विल सी यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज हो गया है. एंड नाउ आई कैन कम हियर एंड टाइप इन कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है क्लिक हियर टू एंटर टेक्स्ट, इसकी जगह आई विल टाइप एंटर फर्स्ट नेम लाइक दिस एंड देन आई विल कम हियर. I can double click here and add another one and again I'll do the same thing. I'll select this and type enter last name. Fine. Then coming to the next one, that is the contact number. Again I can click on this and again type in here and click and type enter contact number, or I can say enter mobile number. So if I want to specify that you have to enter over here the mobile number, so यहाँ पे मैं enter कर सकती हूँ कि आप यहाँ पे अपना mobile number हो. Or you can also create another column and type in if you want them to provide some other number also. So you can also add another column and type enter optional number or other alternate number. Fine. Then similarly we have the option of email. Again that is in the text form. So I'll come here again, click on this and type enter email address.
Now the next option we have is sex. Now either you can make it as a text ki wo type kare usme male female, but other than that what we are going to use is we can use the options button. For that what we have to do is control ke andar you will see hamare paas last mein option hai legacy tools ka. If I click on this, so yahan pe mere paas ek button hai which is known as the option button. So if I click on this, so this will add a button over here. And अगर मुझे इसे एडिट करना है, I'll go to properties and then I have to find caption. यहाँ पे caption लिखा हुआ, I'll double click and then I'll rename it as male. And similarly, I can come here, add another button like this, and this time I'll go to properties and edit it as female. Fine. Then the next one we have is the address column. I'll close this. Now address के लिए अगर आपको उनको ज़्यादा space provide करना है, so you can enter two times the text one. So I'll enter it for the first time and over here I can type is at address line one. ऐसा आपने काफी सारे forms में देखा होगा, वहाँ पे different lines के option होते हैं आपके पास, जहाँ पे आप अपना text enter कर सकते हो. Fine. Similarly, I'll come out of this, press enter. In the same column, I will add another text option like this. And then I'll select it and type address. Like this, line 2. Fine. Then we have the option of city. Now city में obviously सबके पास, सब में आपके पास ये option है कि आप text डाल दो, लेकिन इसमें अब हमें क्या use करना चाहते हैं, I want to use the list option. So list options में भी हमारे पास दो option है. The first one over here we have is combo box content and the next one we have is drop down list. Now the difference between both these is कि जो drop down list होते हैं उसमें क्या होता है, the person has to pick what is in the list. मतलब जो भी list में आप options डालोगे उसमें से ही उसे choose करना पड़ेगा जो भी form fill कर रहा है. But जो दूसरा वाला है हमारे पास combo वाला option है, उसमें क्या होगा, वो list से भी choose कर सकते हैं and अगर उसके अलावा भी उन्हें कोई enter करना है so वो भी enter कर सकते हैं. So in this one I'll go with the combo box content. I'll click on this. And you can see यहाँ पे add हो जाएगा. And again to modify this, I have to go to the properties. And यहाँ पे मैं इसका title डाल सकती हूँ as city. And नीचे मेरे पास option है जहाँ पे मैं अपनी values को add कर सकती हूँ. Like I'll click on add. And let's suppose if I want to type Mumbai, I'll type it. Press OK. Add again. I'll type Bangalore. And similarly, I can add some other cities. And so on. अगर आपको इसमें edit करना है, you can click on this, you can modify it, you can remove it. अगर आपको इसको ऊपर नीचे shift करना है, अगर इसको किसी order में आपको place करना है, तो वो आप arrange कर सकते हो. Fine. And also अगर कोई delete करना है, even if you have the option of choose an item, अगर आपको ये भी delete करना है, तो you can click on this and click on remove. But for now we let it be and press OK. Fine. Coming to the next one, that is state. Again in this way, अगर मैं चाहूँ तो I'll over here I'll use the drop down list. I'll click on this and then again you can come here properties में जाके आप यहाँ पे फिर से same वही process है कि आप यहाँ पे इसको add कर सकते हो जो जो states हैं वो. For now I'll just cancel it to save the time and come here in the country. Now let's suppose कि जिसे हम form दे रहे हैं उसमें दो ही option है, either you are from India or you are outside India. So, आप यहाँ पे rather than leaving it blank, आप यहाँ पे इसे check वाला हमारे पास एक option होता है, वो use कर सकते हैं. Like, as I told you, we have two options. One is, you are from India. I press space and type outside India. So, जिसको हम form दे रहे हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं that आप India के हो या आप India से बाहर reside करते हो. So what I'll do is, यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास एक option है checkbox का. So यहाँ पे जो मैंने type कर दिया, I'll click on this and यहाँ पे एक checkbox appear होगा. Fine. I'll remove the extra space and do the same thing for this one. This can be helpful अगर let's suppose कोई form में आपके ने कोई question put किया है, नीचे उसके options है, आप चाहते हो कि जो जो वो उसको fulfill करते हैं उस पे tick करते जाएं, तब हम यहाँ पे इसको checkbox को
यूज कर सकती हैं. नाउ द लास्ट थिंग इन दिस फॉर्म इज द डेट. अगर आपको डेट एंटर करनी है, दिस कैन बी टुडेज डेट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और अगर लेट्स सपोज हमने ऊपर मेंशन किया और द डेट ऑफ बर्थ, तब भी हम यहाँ पे जो मैं यूज करने वाली हूँ वो हम यूज कर सकते हैं. दैट इज ओवर हियर यू हैव द ऑप्शन ऑफ डेट पिकर कंटेंट. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि जब वो इस पे क्लिक करेंगे तो उनके पास कैलेंडर आ जाएगा जिसमें से वो चूज कर सकते हैं. यू कैन यूज इट इन द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो. अगर इसकी प्रॉपर्टीज को आप फॉर्मेट करना चाहते हो, सो उसके अंदर आप फॉर्मेटिंग ये कर सकते हो कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, किस फॉर्मेट में डेट अपियर हो. सो आई चूज दिस एंड प्रेस ओके. फाइन. नाउ वन मोर थिंग, लेट्स सपोज कि जब हम फॉर्म फिल करें, बहुत सारे फॉर्म्स में आपने देखा होगा फोटोग्राफ का ऑप्शन आता है. सो अगर मुझे इसमें फोटोग्राफ ऐड करने का ऑप्शन देना है, सो सिंस इट इज अ टेबल, आई गो टू ले आउट एंड देन इंसर्ट अबव, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है. देन अगेन आई विल कम बैक टू द डेवलपर मोड, एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ऑप्शन है पिक्चर का, पिक्चर कंटेंट कंट्रोल. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर का स्पेस आ जाएगा. एंड नॉट ओनली इन द प्रिंटेड वर्जन, जो यहाँ पे आप देखो जब आप किसी को सॉफ्ट कॉपी भी भेजोगे तब भी उनके पास ऑप्शन होगा कि वहां पे वो क्लिक करके अपनी इमेज अपलोड कर दें. फाइन. सो नाउ आई विल गो टू लेआउट, अरेंज इट ओवर हियर. यहाँ पे आप देखोगे अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं. सो दिस इज द अलाइन टॉप राइट, सो आई क्लिक ऑन दिस एंड अलाइन इट ओवर हियर. नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स हैं, वी डोंट नीड इट, सो आई सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन मर्ज सेल्स. फाइन. सो आर फॉर्म इज रेडी नाउ. यू कैन सी ये हमारा फॉर्म रेडी है. आई विल कम हियर एंड चूज द स्टेट वन, एंड फॉर नाउ आई विल डिलीट दिस बिकॉज इसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, एंड जस्ट सिंपली एड द नॉर्मल टेक्स्ट एंड आई विल सेलेक्ट इट एंड टाइप एंटर स्टेट. नाउ वंस यू हैव कम्प्लीटेड द फॉर्म, तो जो लास्ट चीज आपको इस फॉर्म में करनी है दैट इज ग्रुपिंग. अब हम इसको ग्रुप क्यों करेंगे, बिकॉज अगर आप किसी को सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हो एंड यू डोंट वॉन्ट कि ये बाकी सारी चीजें या जहाँ पे फ्री स्पेस हो वहां पे कुछ टाइप करें या कुछ भी करें एक्स्ट्रा चीज आपके फॉर्म को कुछ भी एक तरह से एडिट करें, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रुप कर सकते हो. सो आई विल सेलेक्ट दिस, सिंस इट इज अ टेबल तो मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया. अगर आप टेबल यूज नहीं कर रहे तो आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो. देन आफ्टर दिस इन द डेवलपर ऑप्शन कंट्रोल्स के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप का. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ग्रुप, सो नाउ ये पूरा एक ग्रुप की तरह हो जाएगा. फाइन. नाउ लेट्स सपोज अगर आपको किसी को यह फॉर्म भेजना है, सो वॉट यू हैव टू डू इज फर्स्ट, अगर आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, सो ऑल यू हैव टू डू इज कम आउट ऑफ द डिजाइन मोड. आप देखोगे यहाँ पे हमने डिजाइन मोड टिक करा हुआ, मींस अभी डिजाइन मोड ऑन है. एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस, दिस विल बी ऑफ, एंड यहाँ पे आप देखोगे ये आपका फॉर्म ऐसे अपियर होगा. सो लेट्स सपोज अब हमने इसे सेव कर दिया एंड क्लिक ऑन यस. अब मैंने इस फॉर्म को सेव कर दिया और ये मैं किसी को भेज रही हूँ. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, जिसका सेशन मैंने पहले एक बार दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट. तो आप देख सकोगे कि इसको हम कैसे इसकी एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसमें पासवर्ड एड कर सकते हैं. फाइन. सो नाउ लेट सपोज कि किसी ने मुझे फॉर्म भेजा या मैंने किसी को ये फॉर्म भेजा, एंड नाउ इट्स टाइम टू फिल अप द फॉर्म. सो लेट सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. द फर्स्ट थिंग इज द पिक्चर. सो अगर हमें पिक्चर ऐड करनी है, सिंपली क्लिक हियर एंड यहाँ से आप अपना इमेज ऐड कर सकते हो. यू नो हाउ टू ऐड अ पिक्चर इन वर्ड, सो आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो एंड यू कैन अपलोड अ पिक्चर. देन द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज एंटर नेम. सो आई क्लिक देयर, क्लिक एंड टाइप माय नेम. सिमिलरली वी हैव ऑप्शन ऑफ एंटर लास्ट नेम, सो आई क्लिक हियर एंड एंटर द लास्ट नेम लाइक दिस. Then I have to enter the number. I'll add any random numbers like this. And then I can go ahead and add the email address like this. And next option hai aapke paas in dono mein se ek cheez choose karne ka. And also you will notice ki agar main ek ko select kar rahi hu to dusra deselect apne aap ho jayega automatically. If I select this to wo deselect ho jayega. If I select this to wo deselect ho jayega. Jaise ki online forms mein hota hai. Fine. So I'll select this. Then I have the option of address line. I can click and start typing like this. Fine. Then the next one we have is the option for city. So as soon as I click on this, so आप देखोगे यहाँ पे बस arrow आएगा. So I'll click on this and यहाँ पे जो मैंने add करे थे मैं उसमें से choose कर सकती हूँ. Like if I choose Chennai like this, and then I have to enter the
स्टेट, इसमें भी आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो, बट सिंस हमने वो यूज नहीं किया सो वी कैन टाइप इट. देन कमिंग डाउन वी हैव द ऑप्शन ऑफ कंट्री. अगर मुझे इन दोनों में से एक पे टिक करना है, आई कैन सिंपली कम हियर, क्लिक ऑन दिस और ये इससे चेक हो जाएगा. देन द लास्ट वन वी हैव इज डेट. सो आई क्लिक ऑन दिस एंड अगेन आई कैन क्लिक ऑन द एरो एंड यू विल सी यहाँ पे हमारे पास ये कैलेंडर अपीयर होगा. आई कैन कम हियर एंड सेलेक्ट द डेट लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं कोई भी डेट इंसर्ट कर सकती हूँ. फाइन. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ फॉर्म एंड इन दिस वे यू कैन फिल अप अ फॉर्म ऑल्सो. अगर आपको इसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है तो आप फिर से डेवलपर मोड में जाके, डिजाइन मोड में जाके उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो. इवन यहाँ पे जो वो फिल करें उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो. देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन ट्राई. फाइन. सो नाउ आई विल अगेन सेव दिस वन. एंड वन लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, लेट सपोज आपको कोई बहुत अच्छा सा क्रिएटिव सा फॉर्म बनाना है, इतना सिंपल बेसिक नहीं बनाना. सो वॉट यू कैन डू इज आई विल गो टू फाइल न्यू एंड आई कम हियर एंड टाइप फॉर्म्स. आपको पता है यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स का. सो अगर मैं कोई ऐसी टेम्पलेट सर्च करूँ जिसमें फॉर्म्स हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे आपके पास यू विल हैव सो मेनी ऑफ द ऑप्शंस जिसमें से आप चूज कर सकते हो. दीज आर ऑल फॉर्म्स ओवर हियर एंड यू कैन ऑल्सो सी द नेम ऑफ द फॉर्म्स लाइक दिस इज फॉर द बिजनेस क्रेडिट और दिस इज फॉर द जॉब एप्लीकेशन, दिस इज फॉर द एप्लीकेंट इंटरव्यू. सो इन दिस वे यहाँ पे बहुत सारे आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे. लाइक आई कैन क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दिस एंड लेट सपोज अगर मुझे ये फॉर्म अच्छा लग रहा है, आई कैन क्लिक ऑन क्रिएट, इट विल बी डाउनलोडेड एंड दिस विल बी ओपन. नाउ यहाँ पे यू हैव द फॉर्म. वॉट यू कैन डू इज अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है, यू कैन सिंपली सेलेक्ट इट एंड जहाँ पे जो जो एडिट करना है, जो फील नहीं चाहिए, यू कैन रिमूव इट एंड आप यहाँ पे एडिट करके भी अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. बट सम टाइम इट क्रिएट्स अ मेस जब आप इसको एडिट करते हो. सो इफ यू वॉन्ट अ सिंपल फॉर्म सो यू शुड क्रिएट इट ऑन योर ओन. फाइन. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.